गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और उसमें हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। छठा चैप्टर ऊर्जा चयापचय यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म हम शुरू कर रहे हैं। और ऊर्जा चयापचय में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो भोजन पहले से खाया गया है और खाने के बाद में पचाया गया है और डाइजेशन यानी पाचन, फिर उसके बाद में अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद की जो क्रिया होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय कहते हैं। तो कोई भी जो भोजन हम कर रहे हैं, जो भी भोजन हम खा रहे हैं, वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है और वो हमें भोजन से ऊर्जा देता है। वो ऊर्जा जो हमारे अंदर आई है वो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। तो हम इस चैप्टर में इसी तरह से पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी ऊर्जा देता है और कौन से काम में हमें कितनी ऊर्जा लगानी होती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे दिन भर में जो हमने खाना खाया है हमको उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, कितनी कैलोरी प्राप्त हुई। और हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे दिन भर में जो हमने काम किया उसको हम पूरा लिख के और कितने कितने आवर्स, कितने कितने घंटे काम किया उसको हम गुणा भाग लगा के, और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे दिन में हमारी कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ या हमने कितनी ऊर्जा यूज करी। तो ऊर्जा चयापचय का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक लेवोजियर थे, वो ऊर्जा चयापचय के अध्ययन के जनक माने जाते थे। मतलब लेवोजियर ने इतना काम किया एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे कि उनको इसका जनक यानी पितामह कहा गया लेवोजियर को। और उन्होंने लैपलेस नामक एक और वैज्ञानिक थे, उनके साथ उन्होंने वापस से ऊर्जा चयापचय पे कार्य किए। और लैपलेस के साथ उन्होंने काम करने के बाद बताया कि जो भोजन पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और उसके बाद में जो चयापचय होता है, तो चयापचय के बाद भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसके साथ जल भी बनता है। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ रिलेशन बताए कि भोजन जो पच रहा है वो एनर्जी दे रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, लेकिन जब पचता है तो किसके साथ पचेगा, वो ऑक्सीजन के साथ में उसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब वहाँ वो ज्वलन क्रिया यानी पचने का कार्य करता है। तो ज्वलन क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। तो लैपलेस और लेवोजियर ने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एनर्जी के बीच में सारा संबंध यानी सारे रिलेशन उन्होंने बताए। उसके बाद में उन्होंने ये बताया है कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हमने चपाती खाई है, सब्जी खाई है, दाल, अंडा, दूध, कोई भी चीज़ खाई है, जो भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मतलब खनिज लवण और पानी, कई सारे पोषक तत्व होते हैं। तो कुछ पोषक तत्व तो हमको ऊर्जा देते हैं और कुछ जो है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव और कुछ दूसरे कामों के लिए होते हैं। तो जो भोजन हम शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उससे हमें कुछ पोषक तत्व मिलते हैं और वो पोषक तत्व ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ कोशिका के अंदर जलते हैं, वहाँ ज्वलन क्रिया होती है। प्रत्येक कोशिका में जो भोजन आया वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है और जब ऑक्सीडेशन की यानी ज्वलन क्रिया होती है तो अंत में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो जो ऊर्जा हमें अंदर प्राप्त होती है शरीर के, वो ऊर्जा हमें शारीरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, मतलब वो ऊर्जा हमें शरीर के प्रत्येक कार्य करने के लिए वहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है। आंतरिक कार्य भी होते हैं और बाहरी जो दिख रहे हैं वो भी कार्य, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य, सभी कार्यों के लिए ऊर्जा हमें भोजन के पोषक तत्वों के द्वारा मिलती है और वह पोषक तत्व ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पूरे 24 घंटे मतलब ऑल 24 आवर्स प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 24 घंटे ही हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? जब हम सो रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम सो रहे हैं तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती हैं, इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं। वॉलेंट्री तो अगर हम हाथ उठाएंगे तो उठाएंगे, गर्दन हिलाएंगे तो हिलाएंगे, लेकिन इनवॉलेंट्री जो अंदर हृदय धड़क रहा है और पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, सांस आ रही है, जैसे मतलब सब कुछ जो है वो अनैच्छिक क्रियाएँ। तो इनवॉलेंट्री जो वर्क होते हैं वो सोते समय भी होते हैं, उसमें पाचन होता है, श्वसन होता है, किडनी के काम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट होती है, नाड़ी की गति, तो वो सब अपने आप होते रहते हैं और उनको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सोते समय भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जागते समय तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऊर्जा की आवश्यकता है ही। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति, तो शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों ही कार्य के लिए हमें जागते हुए भी ऊर्जा की जरूरत होती है और सोते समय भी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की यानी एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम खाना खाते हैं उसमें तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं। तो हमारी कोशिका में जब कार्बोहाइड्रेट या वसा जलते हैं, मतलब ज्वलन क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और वहाँ कुछ एंजाइम होते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब एंजाइम क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट या वसा के ऊपर, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देता है और वसा भी हमें ऑक्सीजन और एंजाइम की उपस्थिति में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पानी देते हैं और यूरिया एक एंड प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि वो वृद्धि कारक, मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए कार्य करता है। लेकिन जब ये चीज़ नहीं होती है तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का कार्य भी करते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिकाओं में जितने पोषक तत्व हैं वो ज्वलन क्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एंजाइम की उपस्थिति में, और उसके बाद हमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। ये सारी क्रिया मिलकर ज्वलन क्रिया कहलाती है, ये सारी क्रिया ज्वलन क्रिया कहलाती है। ऊर्जा को मापने की इकाई को हम किलो कैलोरी कहते हैं, बड़ा के, बड़ा सी और ए एल, मतलब ऊर्जा को जो मापते हैं, जैसे दूध को मापते हैं तो लीटर, मिलीलीटर इसमें, या फिर सोने को मापते हैं, कैसे तोलते हैं वो मिलीग्राम्स में, आलू को मापते हैं किलो में, तो इस तरह से सब चीज़ की इकाई अलग अलग होती है। तो जो ऊर्जा को मापते हैं, ऊर्जा को जो मेजर करते हैं वो इकाई है किलो कैलोरी, यानी के, बड़ा के, बड़ा सी और ए एल, या फिर हम बड़ा सी लिखेंगे तो भी वो किलो कैलोरी ही मापी जाती है। लेकिन जब फिजिक्स में भी कोई कोई चीज़ को जलाते हैं तो उसमें भी कैलोरी होती है, तो फिजिक्स में जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें छोटी सी बनाते हैं, और हमारे फूड्स में जो सी होती है वो बड़ी वाली सी होती है, और बड़ी वाली सी फिजिक्स की छोटी सी से करीब 1000 गुना बड़ी होती है। मतलब इसके माप, इसकी जो वैल्यू है वो छोटी सी से 1000 गुना ज़्यादा होती है, तो हम इसे कैलोरी भी कहते हैं। कैलोरी की अगर हम परिभाषा, डेफिनेशन सोचे कि क्या होती है, तो कैलोरी की डेफिनेशन, परिभाषा इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक किलोग्राम पानी के तापमान को
एक डिग्री, 1 डिग्री राइज करने के लिए, जैसे 15 डिग्री है तो उसको 16 डिग्री बनाना है, तो 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 15 डिग्री से 16 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह ऊष्मा कैलोरी कहलाती है। मतलब ये कैलोरी की डेफिनेशन है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत है वो कैलोरी कहलाती है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा चयापचय चैप्टर में ऊर्जा मापन विधि। जो एनर्जी बन रही है उसको हम माप सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी 2 विधियां हैं, एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट विधि, एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि। इनडायरेक्ट विधि जो है, इनडायरेक्ट मेथड यानी अप्रत्यक्ष विधि, इसमें ऑक्सी कैलोरीमीटर एक एपरेटस होता है, ऑक्सी कैलोरीमीटर यंत्र होता है, उसके द्वारा हम अप्रत्यक्ष विधि से ऊर्जा को माप सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को जलाते हैं, ऑक्सीजन होगी तभी जलेगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को जलाते हैं और फिर व्यय की गई ऑक्सीजन, मतलब कितना जला, जो हमने जला दिया तो हमने कितनी ऑक्सीजन उसमें जलाई है हम उसको मापते हैं, और ऑक्सीजन जलाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उस उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को भी मापते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चूना होता है तो चूना कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तो चूने में अवशोषित हो जाती है और जो हमने व्यय की है, जो हमने यूज की है ऑक्सीजन, हम उसको माप लेते हैं, तब हमको पता पड़ जाता है कि इतने भोजन को जलाने के लिए इतनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो इस तरह से हमको ये पता पड़ जाता है कि 1 लीटर अगर ऑक्सीजन यूज हुई है तो कितनी ऊर्जा का निर्माण हुआ है, वो हमको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करके हमने ये देखा कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें 0.8 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, और 0.8 लीटर ऑक्सीजन जब यूज होएगी तो हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने के लिए 0.8 लीटर ऑक्सीजन की खपत होती है और हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगर हम 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम फैट को अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें 2.2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हमें 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा 2.2 लीटर ऑक्सीजन के साथ जलती है और हमें 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन जब जलाया जाता है तो 1.2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हमें 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा वो प्रदान करता है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन 1.2 लीटर ऑक्सीजन की खपत करके, यूज करके हमें 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तो हुआ इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो यंत्र होता है वो होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर एपरेटस, बॉम्ब कैलोरीमीटर यंत्र। तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर यंत्र है, इसमें भोज्य पदार्थ को यहाँ रख दिया जाता है, यहाँ ऑक्सीजन भर दी जाती है और उसके बाद में इसको जलाया जाता है तार के द्वारा, और तार के द्वारा जलाने के बाद में इसमें ये जब जलता है तो एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा, और ये जो ऊर्जा है वो बाहर जो पानी है उसमें चली जाती है और वो पानी गर्म हो जाता है। तो पहले का भी हम तापमान ले लेते हैं,
ठंडे वाले का ये यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है। तो पहले इस पानी का थर्मामीटर इसका ले लेंगे हम नाप कि भाई कितना डिग्री था, और जब ये जल जाएगा भोजन तो उसके बाद भी ले लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये होता है कि अगर हम इस भोजन को जलाते हैं तो बाहर के जो इसके अकार्बनिक तत्व हैं वो भी जलते हैं, और यहाँ जो ऊर्जा मूल्य है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन अगर यही भोजन हमारे शरीर के अंदर जलता है तो उसमें शारीरिक मूल्य कम आता है, क्योंकि उसमें पाचन और अवशोषण में भी, पाचन और चयापचय में भी थोड़ी ऊर्जा की खपत हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम स्टील का बॉम्ब कहते हैं। ये स्टील का पात्र होता है जिसे हम बॉम्ब कहते हैं, और स्टील के पात्र बॉम्ब को में हम शुद्ध ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ यहाँ अंदर डाल देते हैं। फिर इस बॉम्ब को, स्टील के बॉम्ब को पानी के पात्र में, एक बड़ा पानी का पात्र होता है उसमें हम डाल देते हैं और एक तार से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक तार से जोड़ देते हैं। फिर इस इलेक्ट्रिक तार को बिजली से लगाते हैं और उससे ये भोजन जलता है, पदार्थ जलता है, और भोज्य पदार्थ जलने से बाहर का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। बाहर का पानी गर्म मतलब जो इसके जलने से पूरी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, और फिर इसका हम टेम्परेचर, तापमान ले लेते हैं। पहले भी हमने ले लिया इस ठंडे वाले पानी का तापमान, और बाद में जलाने के बाद भी हम तापमान ले लेते हैं। तो अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है तो इस तरह से है कि अगर हमने यहाँ भोजन 2 ग्राम गेहूं रखा, 2 ग्राम गेहूं का आटा हमने यहाँ रखा, और ये जो पात्र है बाहर का और इसका पानी, तो वो 3000 ग्राम मतलब 3 किलो जो है वो इसका वजन है, और जो ये कैलोरी मीटर है इसके बराबर पानी ये 500 ग्राम है। तो 3.5 किलो का ये दोनों चीज हो गई है। इस पानी का पूर्व में टेम्परेचर था 24 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर जब ये जला तो ये टेम्परेचर हुआ 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज आया है। मतलब पहले भोजन नहीं जला था, तब 24 था, जब भोजन को जला दिया और भोजन के जलने से जो गर्माहट आई वो गर्माहट इस पानी ने सोख ली और पानी गर्म हो गया, पानी 26 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री का फर्क आया। तो 2 डिग्री आने से जो हम कैलकुलेट करेंगे पानी कैलोरीमीटर द्वारा प्राप्त ऊष्मा, पानी और कैलोरीमीटर के द्वारा प्राप्त ऊष्मा, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 3000 तो ये बाहर का पात्र, 500 अंदर का, तो 3500 को हम 2 ग्राम जो भोजन है 2 से गुणा करेंगे तो हमको 7000 कैलोरी प्राप्त हुई। 7000 जो कैलोरी है हम उसको 7 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे 2 ग्राम गेहूं को जलाने से हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 किलो कैलोरी। तो एक को जलाने से कितना होगा, 3.5 किलो कैलोरी। तो 100 ग्राम अगर आटा होएगा उसको जलाएंगे तो क्या होगा, 7/2 × 100 मतलब 350 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि ये भोज्य पदार्थों को जलाने से बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेट हुआ, इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है ऊर्जा चयापचय यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने, इसका इसको अध्ययन का जनक कहा गया है, इन्होंने खोजा था। इन्होंने फिर एक अपने साथी वैज्ञानिक लैपलेस के साथ इस तरह से हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, इन तीनों का रिलेशन बताया। उन्होंने ये कहा कि जो हम भोजन करते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, वो जलते हैं और वो पोषक तत्व हमको ऊर्जा देते हैं, और उस ऊर्जा से हम पूरे दिन कार्य करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, कार्य करने वाली ऊर्जा, वो हमें पूरे टाइम चाहिए, 24 घंटे, भले हम सो रहे हों या जग रहे हों। जब जग रहे होते हैं तो हमें फिजिकल और मेंटल वर्क के लिए, शारीरिक और मानसिक कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, सब चीज़ों, पाचन, डाइजेशन और इन सभी चीज़ों के लिए
पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, नाड़ी की गति, किडनी, इन सभी चीज़ों के लिए, जो हमने खाना खाया है उसको पाचन के लिए, जो ब्लड घूम रहा है उसके लिए तो डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, जो चीज़ बन गई है और जो गंदगी को निकालने के लिए तो एक्सक्रीटरी, जो हम सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी, और एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, तो सभी काम के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो हम खाना खाते हैं वो कोशिकाओं में जलता है। कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट, अगर कार्बोहाइड्रेट को हम ऑक्सीजन के साथ एंजाइम की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मिलती है। अगर हम वसा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम के साथ जलाते हैं तब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और पानी मिलता है। और जब हम प्रोटीन को ऑक्सीजन और एंजाइम के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और यूरिया हमको मिलता है। लेकिन जब पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं हो तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। तो इस तरह से ये जो भोज्य पदार्थ है वो कोशिका में जलते हैं, कोशिका में ऑक्सीजन के साथ जलेंगे, एंजाइम उस पर क्रिया करता है और आखिर में ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सारी क्रिया मिलकर ज्वलन क्रिया कहलाती है। ऊर्जा जो होती है उसको हम इकाई किस में मापते हैं, उसकी जो इकाई है हम उसको किलो कैलोरी या कैलोरी कहते हैं। किलो कैलोरी को तो बड़ा के, बड़ा सी ए एल लिखते हैं, या फिर बड़ी सी भी हम किलो कैलोरी को दर्शा सकते हैं। फिजिक्स में जो काम आती है वो कैलोरी छोटी सी होती है और फूड्स की सी बड़ी होती है। फूड्स की सी फिजिक्स की सी से 1000 गुना बड़ी होती है। अगर हम कैलोरी को परिभाषित करें तो कुछ इस तरह से करेंगे कि 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है वो कैलोरी कहलाती है। कैलोरी को मापने के लिए जो विधियां होती है वो 2 होती हैं, एक अप्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष विधि। तो इनडायरेक्ट विधि में तो हम ऑक्सीकैलोरीमीटर यंत्र यूज़ करते हैं और डायरेक्ट विधि में बॉम्ब कैलोरीमीटर यंत्र यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट विधि में हम ऑक्सीजन के साथ भोज्य पदार्थ को जलाते हैं और उस ऑक्सीजन को माप लेते हैं कि भाई 1 लीटर ऑक्सीजन में कितना भोज्य पदार्थ जला। जलने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको भी हम अवशोषित कर लेते हैं चूने में, वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें पता पड़ जाता है कि कितने भोज्य पदार्थ में कितनी ऑक्सीजन का व्यय हुआ है। और इस तरह से हमें पता चला कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने के लिए हमें 0.8 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फिर वो जलने के बाद 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको देता है। इसी तरह से 1 ग्राम वसा को जलाने के लिए 2.2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमें 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा वो देता है। और 1 ग्राम प्रोटीन को जलाने के लिए 1.2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो हमें 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। डायरेक्ट विधि में बॉम्ब कैलोरीमीटर में बॉम्ब होता है, ये स्टील का बॉम्ब है, इसमें भोजन रखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन डाल दी जाती है, फिर इसके चारों तरफ स्टील का पात्र है, उसमें पानी है, इसमें बॉम्ब को रख देते हैं और भोजन के साथ इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हैं जिससे कि इसको जलाएंगे तो भोजन जल जाएगा, मतलब इसको ज्वलन क्रिया करवाएंगे। और इस पानी के टेम्परेचर को नापने के लिए यहाँ थर्मामीटर लगा दिया जाता है, फिर इस पूरे को बाहर का एक स्टील के पात्र में रख दिया जाता है और पहले के टेम्परेचर को नाप लेते हैं, बाद के टेम्परेचर को नाप लेते हैं और उसके बाद में हम इसके वजन से और डायरेक्ट विधि से हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस भोजन को, गेहूं को 2 ग्राम माने और ये जो बाहर का और ये वाला वजन है इसको हम 3.5 किलो माने, तो फिर पानी के टेम्परेचर पहले का हमने मापा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में ये जलने के बाद मापा तो ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 डिग्री का राइज हो जाता है। तो अब ये इस तरह से बताते हैं कि अगर 2 ग्राम गेहूं जो है वो 7 किलो कैलोरी देता है, कैसे देता है, 3500 तो इसका पूरा वजन है और 2 ग्राम हमारे इसमें भोज्य पदार्थ है, तो 7000 छोटी कैलोरी, मतलब 7 किलो कैलोरी। तो 2 ग्राम हमको देता है 7 किलो कैलोरी, तो 1 हमको देगा 3.5 कैलोरी और 100 देगा हमको 350
किलो कैलोरी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट बॉम्ब कैलोरी मीटर से ऊर्जा का मापन कर सकते हैं। थैंक यू।